फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 अर्न लीव। नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान है जिसमें ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। नए वेज कोड को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। पहले ये अक्टूबर 2021 में लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया। अब ये नियम अगले साल यानी 2022 में लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है। लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्न्ड लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। इस राज्य में मिले ओमिक्रॉन के 7 नए केस, देश में अब तक 12 मामले आए सामने। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह तक देश में 5 ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन शाम तक महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 7 और मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह तक देश में 5 ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन शाम तक महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 7 और मामले सामने आए हैं, जिसमें पिंपरी में 6 और पुणे में 1 और मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ महाराष्ट्र में अब तक कुल 8 मामले हैं, जबकि पूरे देश में 12 मामले हो गए हैं। नागालैंड में 13 ग्रामीणों की मौत के बाद तनाव, प्रदर्शनकारियों ने कैंप पर बोला धावा। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की आतंकरोधी कार्रवाई में 13 ग्रामीणों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल्स के कैंप का घेराव किया। तमाम युवक कैंप के अंदर घुस गए और वहां आग लगाने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि भीड़ की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। आत्मरक्षा में भीड़ को खदेड़ने के लिए हवा में फायरिंग की गई। इस घटना में 6 स्थानीय नागरिक और 7 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर यह घटना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि SIT इस मामले की जांच करेगी। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका। तेजस्वी यादव ने इसे BJP के पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया।